भीषण गर्मी से बेहाल लोग, लू लगने से तबीयत बिगड़ने से भी यहाँ पर मौतें भी हो रही हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसे लेकर बेहद गंभीर हैं। व्यवस्थाओं को लेकर आपदा राहत मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से उन्होंने अपडेट लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिले हैं मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। आरसी विलायंस में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें फीडबैक दिया। मंत्री मीणा ने मुख्यमंत्री को प्रदेश भर की स्थिति का फीडबैक दिया है और अन्य राजनीतिक और राजकाज से जुड़े मसलों पर भी चर्चा हुई है। 6 लोगों की मौत हीटवेव की वजह से होने की पुष्टि हुई है। मंत्री मीणा ने हीटवेव से हुई मौतों पर सरकारी राहत जैसे प्रकरण पर भी सीएम से बात की है। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी भी मिले हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, बेहद गंभीर मसला ये इसलिए भी है क्योंकि लगातार तापमान बढ़ रहा है जो कि किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन बचाव जरूरी हो गया है और ऐसे में हीट वेव से मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। आज मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, इस दौरान क्या अहम बातें हुई डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से? देखिए, किरोड़ी लाल मीणा आपदा राहत मंत्री है तो उनके ऊपर दायित्व भी है कलेक्टरों से संवाद करना और कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी करना। और आपदा राहत महकमे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब पहले थी पिछली बार, तब उस सरकार ने कुछ नियम परिवर्तन किए थे, तो इस बार भी किरोड़ी लाल मीणा कई विषयों को लेकर यहाँ पर बातचीत की है किरोड़ी लाल मीणा ने। क्योंकि मौतें, हालांकि जो मौतें बताई जाती है उनमें वाकई में जिनके पोस्टमार्टम हुए हैं या जो आधिकारिक रूप से जिन्हें प्रशासन ने माना है कि हीट वेव से मौतें हुई है, ऐसी मौतों का आंकड़ा लगभग 6 बताया है किरोड़ी लाल मीणा ने। और वो जो मौतें हैं उन मौतों पर क्या कुछ राहत दिया जा सके, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं कि नरेगा के कार्य के दौरान, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं कि श्रमिक है जिसकी लू लगने से मौतें हुई है, तो उसके लिए क्या प्रावधान हो सकते हैं, क्या जिला प्रशासन कोई राहत दे सकता है क्या आर्थिक रूप से, इस तरीके के मसलों को लेकर भी बातचीत हुई है। और किरोड़ी लाल मीणा से पूरा फीडबैक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिया है। मुख्यमंत्री पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीर है। आज 2 बड़े मामले रहे हैं, एक तरफ जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी से पूरा फीडबैक लिया, पानी को लेकर समीर शर्मा को साथ में बुलाया गया, समीर शर्मा और कन्हैयालाल चौधरी दोनों के साथ मंत्रणा की, चर्चा की और उन्होंने जो दलील दी उनका कहना है कि पिछली बार से बहुत भीषणतम गर्मी है और इस भीषणतम गर्मी में जितना व्यवस्थाएं जलदाय विभाग कर सकता है वो कर रहा है, आगामी दिनों में और ज्यादा व्यवस्थाएं करने के लिए जलदाय विभाग लगातार जुटा हुआ है। उन्होंने ये भी दलील दी कि पानी का स्तर जो है वो कितना नीचे तक गिर गया है। कई मामले हैं, जैसे मिसाल के तौर पर एक जयपुर शहर की अगर हम बात करते हैं तो द्रव्यवती नदी जब से पक्की हुई है, पक्की होने के बाद जमीन में जो पानी है जो जाता था, वाटर रिचार्ज होता था, वो भी बंद हो गया है, पानी एक जगह जाकर इकट्ठा हो जाता है, ऐसे मसलों को लेकर भी बातचीत की है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो पानी के विषय को लेकर विशेष तौर पर यहाँ पर बातचीत हुई। तो दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा जब मुख्यमंत्री के पास मिलने पहुंचे तो कई मामलों को लेकर चर्चा हुई, कई राजनीतिक मसलों को लेकर चर्चा हुई, कुछ बातें किरोड़ी लाल मीणा की ओर से मुख्यमंत्री को कही गई, मुख्यमंत्री ने उनसे पूछा भी, फीडबैक भी लिया उनके जुड़े महकमे का। और सबसे बड़ी बात यह है कि किरोड़ी लाल मीणा के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आपदा राहत महकमे की, आपदा राहत महकमा किस तरीके से राहत लोगों को देने में कोशिश कर सकता है, इसे लेकर भी मुख्यमंत्री ने उन्हें दिशा निर्देश दिए हैं और दिशा निर्देश देने के साथ उनसे सुझाव भी पूछे हैं। क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा गए तो उनसे पूछा भी और क्या बेहतर आपका महकमा कर सकता है ये भी आप बता सकते हैं, तो इस तरीके से बातचीत हुई है। खुद किरोड़ी लाल भी गंभीर है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी बेहद गंभीर है, तो लोगों को राहत गर्मी से, क्योंकि ये एक सूर्यदेव प्रचंड रूप से अपनी तीक्ष्ण गर्मी का एहसास करा रहे हैं लोगों को। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस तीक्ष्ण गर्मी में इंसान क्या पशु पक्षी भी बेहाल होने लगे हैं, तो इस गर्मी से बचने के उपाय के साथ लोगों में जागरूकता भी फैले कि तेज गर्मी जब टेम्परेचर बढ़ रहा हो तो लोग फील्ड में ना जाएं, इधर उधर बैठे रहें, सुबह शाम अपने जरूरी काम करें, इस तरीके की कुछ गाइडलाइंस है वो भी निकाली जाए, इस तरीके कई मुद्दों को लेकर बात जी। चलिए, बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य आपका इस पूरी जानकारी के लिए।